जैसा कि अभी आपने इसको चलते हुए देखा है, हम लोग इसको इतनी चौड़ाई में लगभग ये 16 इंच चौड़ाई के अंदर चलता था। अभी मैं इसको लिए इतना करके लेके आ रहा हूँ, जो हमारे गोभी के टमाटर के खाली के अंदर जिसने गुड़ाई करनी है वो प्रोडक्ट मेरा रेडी है, बट आज नहीं है, वो 3-4 दिन में यहाँ पे हम लॉन्च कर देंगे उसको इसी कैंप के अंदर। इतना लेके चलेगा वो, मतलब कई बंदे मेरे को बोलते हैं इतना एक साइड चला लेंगे, ऐसा नहीं करना भाई, उसमें गेयर डैमेज हो जाएगा। मैं इन्हें इसी को छोटा कर दिया, वो अभी 8 इंच के अंदर लगभग इतने एरिए के अंदर ये चलेगा। और एक अटैचमेंट इसके साथ, अब जैसे ये है उसमें आप ये वाले ब्लेड भी लगा के चला सकते हो। यहाँ पे सॉयल थोड़ी सॉफ्ट है, उस पर ये लाइक के टिलर के जितना इतना ब्लेड इसके अंदर चला जाता है ज़मीन के अंदर। हाँ जी, अभी हमने वो दूसरी अटैच ब्लेड लगाए थे, ये ब्लेड मैंने एक तो नज़दीक हो गया, एक इसकी पत्ती थोड़ी और डीप होगी, ये ज़्यादा ज़मीन में घुस के चलता है। अलग अलग एरिया में अलग अलग फसल के अंदर अलग अलग ब्लेड्स की डिमांड है। इसमें हमारे पास 3 टाइप के ब्लेड हैं, जो भी फार्मर लेना चाहे सभी की कीमत बराबर है, तो हम उसको वो प्रोवाइड कर देते हैं। हमें फर्स्ट अवार्ड मिला है, ये मेरी हिसार कृषि मेले का है जो हमें प्रथम स्थान मिला है, और ये मेरा लुधियाना PSU का फेयर का है जहाँ पे हमें मिला है फर्स्ट प्राइज़। और वो मेरा अभी तो कोई यूपी में लगा नहीं है फैजाबाद में फेयर, ये भी यहाँ पे भी हम फर्स्ट प्राइज़ लेके आए थे। तो कुछ चीज़ें हम ऐसी करते हैं जो यूनिवर्सिटी वाले भी मानते हैं। तो दूसरा, जैसे मैं होंडा की बात कर रहा था आपसे, तो होंडा ऐसे इंजन नहीं देती हमें, मैंने आपको बोला था ऐसे इंजन नहीं देती। उसका रीज़न है, जब हम उनसे कोई इंजन की डिमांड करते हैं तो वो कहते हैं कि आपने फिट कहाँ पे करना है, आपने पहले हमसे ट्रेनिंग ली है उसको फिट करने की। तो हम लोग उनके पास ये अपने वर्कशॉप अटेंड करने के लिए, कुछ जो मेरे लड़के हैं, ये देखो ये होंडा से सर्टिफाइड पर्सन है जिसकी मेरे टेक्निकल की फ़ोटो है, ये लोग जब ट्रेनिंग करके आते हैं तो लगा पाते हैं। ये देखो हरमन हो गया ये लड़का अपना, ये मेरा मेन सबसे पुराना जो अपना फॉरमैन है, ये मेजर सिंह, ये देखो ये मेरे मतलब फॉरमैन है, जो ये चीज़ों की ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोग वो चीज़ें जो आपको मैं बताता हूँ, ये देखो उसके बाद होंडा हमें ऐसा एक सर्टिफाइड इशू करती है कि आप इस प्रोडक्ट में ये इंजन लगा सकते हो, तब हम उसको इंजन को लगा सकते हैं। जब तक हमारे पीछे का प्रोडक्ट जो गियर बक्सा है या वो पंप है, जब तक वो सर्टिफाइड नहीं करते तब तक नहीं लगा पाते। और दूसरी जो हमारी कंपनी की प्रोफाइल है, देखो मैंने अपनी, ये मेरी कंपनी की प्रोफाइल है, इसमें बहुत क्लियर हमने बताया हम 1989 से एक तंबू वाली फैक्ट्री से मेरी स्टार्टिंग है, मतलब दो कमरे किराए पे
लेके, तो ये फार्मर की वजह से ही हम इतना कुछ बना पाए हैं। जो अगर किसान है, और मेरी अपनी रहती है पिछले 4-5 साल से, तो मेरा रहता है कि मैं कुछ ऐसा कर गुजरूं जिससे मेरा तो भला हो ही हो, जिस बंदे की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ उसकी भी कुछ हो जाए मेरे से। चीज़ें जो है, लोग मेरे को फ़ोन पे आता है जी 52 CC का इंजन है, 2-स्ट्रोक का ज़्यादा पावरफुल है, तो मैंने वैसे लॉन्च कर दिया, बट मेरे को ये इंजन अपने एंड पे पसंद बिल्कुल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये फ्यूल कंजम्पशन जो है वो लगभग जो मेरा पहले वाला B105 मॉडल है उससे डबल से भी ज़्यादा है। डबल से ज़्यादा मतलब अगर वो 550-550 ग्राम ऑयल लेता है, तो ये वाला इंजन ब्रश कटर के अंदर 1.3 लीटर तेल ले लेता है, ये कंपनी बोलती है, जिससे 2-स्ट्रोक का 52 CC का इंजन आता है। ये सबसे बढ़िया कंपनी का इंजन है मेरे हिसाब से। और दूसरी चीज़ आ जाती है कि इस इंजन को हम क्यों नहीं पसंद करते। मनिंदर जी, चाहे आप हो चाहे हमें, सांस तो हमें इसी वातावरण में लेनी है। और जितनी 2-स्ट्रोक इंजन है, जैसे हमारे पहले स्कूटर होते थे, वो कुछ तो गवर्नमेंट के कारण बंद हुए हैं, कुछ लोगों ने इसलिए बंद कर दिए कि उनकी पेट्रोल की एवरेज कम थी। दूसरा था कि जब हम इंजन के अंदर पेट्रोल के अंदर इंजन ऑयल मिक्स करते हैं, तो एक पेट्रोल और ऑयल दोनों इकट्ठे चलते हैं, तो इकट्ठे चलते हो तो यहाँ से एक काला धुआं निकलता है जो हमें दिखाई देता है भी या नहीं भी देता है, तो वो सारे वातावरण को प्रदूषित करता है। इसीलिए होंडा ने तो 2-स्ट्रोक इंजन ही नहीं बनाया, इतने सालों से इंजन बन रहा है, और ना ही वो बनाएगी। बट ये चाइनीज इंजन आते हैं, हमें भी मजबूरी के कारण लेना पड़ा। तो ये हमने अपना जो मॉडल लॉन्च किया है 104 मॉडल, ये 2-स्ट्रोक में किया है, 52 CC है, तो और इसके साथ हमारी एक वो वायर वाली अटैचमेंट घास काटने वाली है, और एक ये ब्लेड है, ये वाला ट्रायंगल ब्लेड, और ये ब्लेड, और साथ में हम लोग ये अटैचमेंट इसके साथ ही दे रहे हैं। सर ये क्या वर्क करते हैं, क्या होता है इसमें, अभी हम कुछ डेमो करके दिखाएंगे आपको। तो ये वैसे तो गुड़ाई का काम करती है, बट ये वाली अटैचमेंट जो एल्युमिनियम कलर में आपको दिख रही है, ये चाइना से ही मंगवाई है हमने। और लोग सारे कोई बोले मैंने वो बना दिया, हिंदुस्तान में पहली बार बना दिया, दूसरी बार बना दिया, बट ये चाइनीज ही आती है अटैचमेंट। पर इस प्रोडक्ट में 2-स्ट्रोक में, क्योंकि ये सारा ही इंजन भी चाइना का होता है, लोगों का भी चाइना का ही होता है, कोई उस पर कोई नाम लिख दे, तो ये अटैचमेंट और पूरा ये सेटअप हम लोग फार्मर को 11,500 में दे देते हैं। मतलब आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो जो है घटिया मटेरियल लेते हो, चाइना वाला पूरा कंप्लीट लेते हो। मैंने अपनी वही शाफ्ट के अंदर ये इंजन लगा दिया और ये सारे ब्लेड दे दिए, ये कर दिया। अब मैं वैसे इसकी अगर आपको दोनों इंजन, अब मेरा ये पुराना इंजन है जो हम B105 जिसको हमारा बहुत पॉपुलर मॉडल है, और इसको लोगों ने बोला है कि 4-स्ट्रोक का सस्ता है। अरे भाई, जो मोटरसाइकिल है वो स्कूटर से कभी सस्ता नहीं होता, मैं अपने फार्मर को समझा देता हूँ। और दूसरी चीज़ आ जाती है CC की। CC देखो ऐसा है कि ये जो 2-स्ट्रोक इंजन है, जब इसको हम पूरी एक्सीलेशन देते हैं तब भी ये 8,000 RPM पार नहीं करता। और इसमें ये है कि नीचे इंजन का ऑयल होता है, ये 10,000 RPM क्रॉस कर जाता है, तो वो इसकी पावर के हिसाब से, जैसे हमारा मोटरसाइकिल स्कूटर से तकड़ा है, ऐसे ही ये पावर के हिसाब से इंजन तकड़ा है और कंफर्टेबल है, प्राइस के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल है। और दूसरा, ये प्रदूषित को कंट्रोल करता है, प्रदूषण होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें देखो होता तो पेट्रोल से भी है, बट अगर अकेला पेट्रोल चलता है तो वो वातावरण को दूषित कम करता है बनिस्बत हम जैसे पहले स्कूटर वाले हमारे धुआं निकालते थे। और इसके अंदर हमने, मैंने ये अटैचमेंट पहले बहुत बेची है, अभी हमने इसमें लोगों की शिकायत होती थी पीतल की गरारी चक्की, कोई बोलता है कि ये मैंने इसके अंदर पीतल की गरारी डाल दी है, मैंने वो डाल दिया, ये डाल दिया। ये अटैचमेंट देखो, इस पर लिखा है प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, ये हमने अपने हिंदुस्तान में तैयार करवा दी है। और इसकी अब हम लोग इस प्रोडक्ट की, पहले होता था कि हम बोलते थे कि ये चीज़ें हैं अगर आप ज़्यादा लंबा टाइम चलाओगे तो ऐसे इसकी जो है ये वार्म गियर जो बोलते हैं वो ऐसे डैमेज हो जाता था। तो अब वाले में क्या है कि हमने इसमें ENET की शाफ्ट दी है, और प्रोडक्ट के अंदर जो इसके अंदर दी है वो सारी अलग मटेरियल की दी है। इसकी हम अब अनकंडीशनल वारंटी लेते हैं 6 मंथ। आप इसको जैसे मर्जी रन करो, सुबह स्टार्ट करके शाम तक बंद ना करो, अगर ये डैमेज हो जाएगा तो पूरे का पूरा गियर मैं अपने किसान भाइयों को फ्री दूंगा।